असूलों पर जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जो जुल्म ज्यादती उत्तराखंड की हल्द्वानी में की गई, जी हाँ, जो जुल्म उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ उसको लेकर अब याचना नहीं रण की पूरी तैयारी की जा रही है। पहले मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों के हक की आवाज को बुलंद किया, तो अब मौलाना अरशद मदनी ने सरकार को सीधे ललकारा है। यहां तक कि उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप धामी सरकार पर लगाए हैं जिसकी जांच का आदेश देने में भी सरकार को 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे आरोप लगे हैं कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके मुस्लिमों के बच्चों, बूढ़ों और औरतों पर जो ज्यादती सरकार ने करी है उसके खिलाफ मौलाना अरशद मदनी ने आवाज को उठाया है। सच ही सरकार के मंसूबों पर जी, साथ ही मदनी ने आवाज उठाते हुए सरकार के जो मंसूबे हैं, जो सोच है, उस पर भी सवाल दागे हैं, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत बड़ा अपडेट बताते हैं। दरअसल दावा है कि अब हल्द्वानी से मुस्लिमों ने पलायन शुरू कर दिया है, क्योंकि पुलिस लगातार उनके घर से बच्चों को लेकर बेरहमी से पीट रही है, जिसका सबूत ये वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक माँ कैसे बिलख बिलख कर रो रही है। ये वीडियो को एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बताया जा रहा है एक पत्रकार ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये सब सच्चाई निकल कर सामने आई है। तो आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी में किस कदर मुस्लिमों पर ज्यादती की जा रही है। वहां के बच्चों, बुजुर्गों, औरतों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। हल्द्वानी में जो हो रहा है वो बेहद ही शर्मनाक है। हालांकि मदनी ने भी इस बात को ट्वीट करते हुए लिखा है कि हल्द्वानी में पुलिस की बर्बरता के कारण हजारों लोग पलायन करने को मजबूर। देश में प्रदर्शनकारियों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव दुखद। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की अंधाधुन फायरिंग एक बर्बरता पूर्ण कृत्य। यानी कि जो हो रहा है उसमें जो एक तरफा कार्रवाई होती है, जो भेदभाव होता है, जो जाति के आधार पर कार्रवाई होती है, वो शर्मनाक है, वो निराशाजनक है। सोचिए, जिस भारत देश में मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसी भारत देश में मुस्लिमों पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। उन पर कोर्ट के आदेशों के बाद भी जुल्म ढहाया जा रहा है। एक और बात दोस्तों जो जानना बेहद जरूरी है, इस हल्द्वानी कांड में कई ऐसे घर हैं जहां मातम छाया हुआ है, क्योंकि उनके घर का चिराग अब इस दुनिया में नहीं है। दावा है कि 5 से ज्यादा लोगों की मौत हल्द्वानी हिंसा में हुई है, जिसको लेकर अब लगातार हर कोई सवाल उठा रहा है। मदनी ने तो सरकार पर सीधा सवालिया निशान लगा दिए। एनबीटी की खबर की माने तो हेडलाइन में ये लिखा है कि हल्द्वानी में पुलिस क्रूरता हिंसा की सारी हदें पार कर रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने दिखाया तेवर। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि इस हेडलाइन को पढ़ के ही आप पूरा मंजर जान सकते हैं कि किस तरह से हल्द्वानी में पुलिस क्रूरता दिखा रही है और हिंसा की जो सारी हदें है उसे पार कर रही है। मदनी ने अपने तेवर दिखाए हैं। इसके आगे खबर में भी आपको बताते हैं कि क्या कुछ लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हल्द्वानी पुलिस एक्शन की कड़े शब्दों में निंदा की है। जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है वो बहुत दुखद है। जमीयत का एक प्रतिनिधि मंडल प्रभावित क्षेत्रों का हाल जानने के लिए हल्द्वानी के दौरे पर गया था। उसने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि ये बात सामने आ गई है कि पुलिस प्रशासन की भूमिका बेहद खराब रही है। आरोप लगाया है कि अब पुलिस क्रूरता और हिंसा की सारी हदें पार करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जबरन घरों में घुसकर पुरुषों और महिलाओं की पिटाई कर रही है। कोई भी न्यायपूर्ण समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी में क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो बहुत दुखद है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है वो बेहद निराशाजनक रही, चिंताजनक है। पुलिस की क्रूरता, हिंसा की जो पुलिस ने सारी हदें पार करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही है, कोई भी न्यायपूर्ण समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। औरतों की पिटाई,
कि कहां क्या न्याय है। जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हल्द्वानी प्रकरण के संबंध में हमने उत्तराखंड के डीजीपी को पत्र लिखा है। हमने उत्तराखंड के डीजीपी से मांग की है कि वो इस मामले में ध्यान दे और पुलिस द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए जा रहे अत्याचार को रोके, गिरफ्तारियों के सिलसिले को भी तुरंत रोका जाना चाहिए और पूरे घटना की निष्पक्ष जाँच हो। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने अगर ईमानदारी से मामले को सुलझाने का प्रयास किया होता तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। पुलिस ने शक्ति प्रदर्शन को प्राथमिकता दी, यानी कि शांति से नहीं शक्ति से बल का प्रयोग करते हुए इसके चलते ही स्थिति बिगड़ गई, जो शक्ति का प्रयोग किया गया और 5 निर्दोष लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसके साथ ही मौलाना ने कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी अवहेलना को लेकर भी सरकार को खूब सुनाया। उन्होंने कहा है कि जब मामला न्यायालय में था तो प्रशासन को मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने की इतनी जल्दी क्यों थी, यानी कि जब कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है, जब कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया तो इतनी हड़बड़ाहट किस बात की। उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक 8 फरवरी को हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की थी। पुलिस प्रशासन ने 14 तारीख का इंतजार नहीं किया और 8 फरवरी की शाम को ही मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने के लिए प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच गया। मौलाना ने कहा कि इससे ये दुखद वास्तविकता सामने आ गई कि प्रशासन की नीयत ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, अब तो धामी सरकार मुस्लिमों को ही मास्टरमाइंड बताकर उनको जेल भेज रही है, साथ ही उनकी संपत्ति को जब्त कर रही है, जिसकी खबर ने तहलका मचा दिया है। एक खबर की माने तो नैनीताल की हल्द्वानी वनभुलपुरा में गुरुवार को हुए बवाल का मास्टरमाइंड मदरसा और मस्जिद का अवैध निर्माण कराने वाले अब्दुल मलिक को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। पुलिस ने अब्दुल मलिक के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने, जमीन कब्जा करने, लोगों को भड़काने, साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल मलिक जमीनों की खरीद फरोख्त में भी शामिल रहता था। प्रशासन उस पर अब NSA के तहत कार्रवाई की तैयारी में है। सोचिए, गोदी मीडिया से लेकर धामी सरकार, हर कोई अब मुस्लिमों को ही दबाने में लगा हुआ है। एक ओर जहां कोर्ट के आदेश की सरकार ने अवहेलना की, उसका कुछ नहीं हुआ, वहीं दूसरी ओर मुस्लिमों पर ज़ाती की जा रही है। एक बहुत बड़े पत्रकार उर्मिलेश ने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी कांड उत्तराखंड के इतिहास में प्रशासनिक निरंकुशता के एक काले अध्याय के रूप में जुड़ गया, खौफनाक अध्याय। इस बीच एक और बड़ी खबर भी सामने आई, जिसके बारे में एक पत्रकार ने बताते हुए लिखा है कि हल्द्वानी में हुई हिंसा में एक नाम उभर कर सामने आ रहा है, संजय सोनकर। संजय सोनकर को लोकल माफिया और हिस्ट्री शीटर बताया जाता है। हल्द्वानी हिंसा में जिन 6 लोगों की गोली लगने से मौत हुई, उनमें 30 साल के फहीम भी है। फहीम गांधीनगर की वाल्मीकि बस्ती में रहते थे। फहीम का घर संजय सोनकर के घर के बगल में है। फहीम के भाई जावेद का आरोप है कि संजय सोनकर ने ही फहीम को गोली मारी थी। फहीम के छोटे भाई अनस ने संजय को गोली चलाते देखा था। हालांकि संजय के खिलाफ अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ, यानी कि जो सबूत है, जो इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से किसने बर्बरता की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होते हुए बल्कि एक तरफा एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। एक और मौलाना ने आवाज उठाते हुए लिखा है कि हल्द्वानी में जिस तरह खूंखार तरीके से सरकार व पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई कर मुस्लिमों को निशाना बनाया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आखिर कब तक सिर्फ एक समाज को निशाना बनाया जाएगा? कब तक एक समाज को, एक जाति धर्म के सिर्फ लोगों को टारगेट करेंगे ये लोग? एक अन्य यूजर ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है, हल्द्वानी में मुस्लिमों पर अन्याय और अत्याचार की सारी सीमाएं तोड़ी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुलेआम मुस्लिमों के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार तमाशा देख रही है। यानी कि ये कब तक होता रहेगा? क्या केंद्र सरकार अपने देश को बर्बाद होते हुए ऐसे ही देखती रहेगी? क्या हल्द्वानी इस देश का हिस्सा नहीं? क्या वहां के लोग नहीं है? एक और यूजर ने लिखा है कि अगर यही हाल रहा तो पुलिस वालों पर से जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब पुलिस वाले नफरती नहीं होते हैं, कुछ पुलिस वालों की वजह से सारे बदनाम होते हैं। जनता का विश्वास 2 ही लोगों पर होता है, पहला पुलिस, दूसरा जज। अगर इन लोगों में से जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा तो सोचिए, जनता विश्वास किस पे करेगी? किससे न्याय की गुहार लगाएगी? किसके दरवाजे पर जाकर खटखटाएगी कि उसे न्याय में दिया जाए?
अब हल्द्वानी का सारा सच खुली किताब की तरह आपके सामने है। जो जुल्म ज्यादती मुस्लिमों पर हुई है उसके खिलाफ अब चारों ओर से सवाल उठने लगे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।